हाय बच्चों, कैसे हो? अपर यूनिक पैरामाउंट साइंस एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको विदित है कि पैरामाउंट साइंस एकेडमी दिनों दिन अपनी ग्रोथ कर रही है और इसी ग्रोथ के साथ में उनका रिजल्ट भी अच्छा होने के बावजूद भी हर पल प्रगति पर आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है। ये ग्रेट स्टडी चैनल में आपको ये चैनल है जो आपको इसके माध्यम से एक स्टडी करवा रहा है। यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी करवाने का एक सस्ता सुलभ एंड घर बैठे सेफ एंड सुरक्षित माध्यम है, वो है यूट्यूब चैनल। उसके माध्यम से आप पढ़ोगे तो आपको घर बैठे ही जो मटेरियल स्कूल में प्राप्त होता था वो आज यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा है। आज मैं आपके सामने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लगा करके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो आप सबने कॉमन सब्जेक्ट पढ़े होंगे जनरल। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, उसके साथ में कुछ साइंस के भी टॉपिक आ जाते हैं। पर जैसे ही आप सिक्स स्टैंडर्ड में आ जाते हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड को क्रॉस करके सिक्स स्टैंडर्ड में आ जाते हो, तो आपको एक तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ने को मिलती है। जो तृतीय भाषा के रूप में आपको संस्कृत पढ़ने को मिलती है वो सिक्स स्टैंडर्ड के बाद में हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। तो जैसे आप सिक्स स्टैंडर्ड में आओगे आपको संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको संस्कृत के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले संस्कृत शब्द बना कैसे? संस्कृत शब्द को जब तोड़ोगे तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस कृ धातु लगी हुई है और कित प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको पता होगा कि जब इस संस्कृत शब्द को आप तोड़ोगे तो सम प्लस कृ धनकत प्रत्यय पूरा रूप है। इसको जब मिलाने के बाद में जो पूरा रूप बनता है, सम आपका उपसर्ग होगा, क्रिया आपकी धातु होगी और कत आपका प्रत्यय हो गया। अब ये प्रत्यय उपसर्ग सम उपसर्ग क्रिया धातु और कत प्रत्यय हो गया। अब आपको लगता है कि कत प्रत्यय क में ये कत में ये क है जो आपका ये एक सूत्र होता है उसका नाम है लशकवत अदिति। एक सूत्र है लशकवत अदिति। यह सूत्र कहता है कि किसी भी शब्द के आगे व्यंजन वर्ण क हो, श हो, त हो तो उसकी अनुदात संज्ञा हो जाती है, उसकी ये संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब क्या हो गया कि क में ये कत में ये क है, उसका लशकवत अदिति सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो गई और इसका इत संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है और पीछे त रह जाता है। सम उपसर्ग है और उपसर्ग सम होने के कारण म आपका हलंत में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपका हलंतीय म है इसके आगे अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो ये अनुस्वार में बदल जाता है और जब भी ये अनुस्वार में बदलेगा और रूप बनेगा संस्कृत। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा संस्कृत में अलग है और अंग्रेजी में अलग है। आपको पता होगा हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। मैं आपको डिफरेंट करके बता देता हूं एक बार, संस्कृत भाषा यहां पे हिंदी यहां पे हिंदी में होते हैं वो दो वचन होते हैं। कौन कौन से आपको बता देता हूं। यहां पे एक वचन है, बहुवचन, पर संस्कृत में तीन है। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। दूसरा है लिंग,
संस्कृत में लिंग होते हैं वो तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और थर्ड है वो है नपुंसक लिंग। हिंदी में लिंग होते हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब यहां पे पुरुष होते हैं तीन, प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष थर्ड है उत्तम पुरुष। तो आप इसे एक बार बता देता हूं, संस्कृत में जो वचन है वो तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो है, एक वचन और बहुवचन, फर्क है यहां पे एक एक्स्ट्रा है, कौन सा है? द्विवचन। फिर लिंग की और बात आते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यहां पे भी तीन है पर यहां पे हिंदी में देखोगे तो आप दो है, एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। अब पुरुष की बात आती है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहां पे पुरुष तीन है पर हिंदी में भी पुरुष भी तीन ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है पढ़ने में समझने में। आपने हिंदी पढ़ते समय ध्यान रखा होगा कि संज्ञा टॉपिक पढ़ते हो आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या अवस्था का जो बोध कराते हैं उन्हें आप संज्ञा कहते हो। उसी प्रकार संस्कृत में भी संज्ञा पद होते हैं। अब वापस आप हिंदी में जाते हो तो सर्वनाम भी पढ़ते हो कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आप प्रयुक्त करते हो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उसी प्रकार संस्कृत में भी सर्वनाम होते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर जो जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हो वो आपका सर्वनाम होगा। अब मैं आपको संस्कृत के सर्वनाम के बारे में बता देता हूं एक बार मोटे तौर पर। जब तक आपको सर्वनाम का पता नहीं होगा तब आप कोई भी किसी को, शब्द को उसके स्थान पर प्रयुक्त नहीं कर सकते, प्रयुक्त नहीं करोगे तो उसका ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, उसको किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। सर्वनाम शब्द का पता होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहां पे आपका प्रथम पुरुष होगा, सह द्विवचन में आपका होगा तो, यहां होगा ते ही, सह तो ते, ये पुल्लिंग का है। सह का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग के लिए, वे दोनों, और वे सभी। दूसरा आपका है सहा, ते, तहा, ये आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, वह है, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा।
વેદોનો और वे सभी तीसरा है तत् तत् आपका है तत् का अर्थ भी वह होता है पर यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होगा वेदों तत्ते और तानी और वे सभी इन शब्दों का उपयोग करोगे तब जाकर के आपका बनेगा। कोई भी बनाने से पहले मध्यम पुरुष होता है उसके बाद में मध्यम पुरुष में आता है तवम तुम का अर्थ होता है तुम। अब आता है युवाम युवाम का आता है तुम दोनों और आता है युयम बहुवचन में। तुम सभी उसके बाद में आता है उत्तम पुरुष अहम अहम का अर्थ होता है मैं आवाम आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम वयम का अर्थ होता है हम सभी। अब ध्यान दीजिए इधर कि सह तौ और ते सह का अर्थ होता है वह वह सिर्फ सह किसके लिए प्रयुक्त होगा पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग जो शब्द होता है उसके लिए सह अगर दो पुल्लिंग है तो तौ और बहुत सारे पुल्लिंग है तो ते सह तौ ते। अब आता है सा सहा का अर्थ होता है वह इसका भी अर्थ वह होगा पर यह पुल्लिंग के लिए उपयोग होगा और इसका सहा का अर्थ भी वह होगा पर यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। वह स्त्रीलिंग के प्रयुक्त होगा सा ते यानी वे दोनों वे स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा और ता वे सभी वे भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। अब आता है तत् ततफलम जैसे यह फल है मैंने बोल दिया कि ततफलम यह फल है तो तत् का अर्थ होता है वह या यह तथा ये किसके लिए फल फल एक पुल्लिंग न तो इसका लिंग कोई पता होता है न तो पुल्लिंग है वो न स्त्रीलिंग है तो वो क्या है नपुंसक लिंग है तो तथा फलम वह नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त होगा। ते वे दोनों वे फल दो फल और तानी यानी वे सभी फल तानी फलानी यानी बहुत सारे फल वे बहुत सारे फल है मैंने तानी फलानी। अब आता है त्वम त्वम का अर्थ होता है तुम और युवा मैंने तुम दोनों मैं किसी को बोलो कि तुम तो तुम कहोगे आप त्वम संस्कृत में अगर तुम दोनों कहूँ तो युवाम कहूँगा युवाम यानी तुम दोनों और युयम का अर्थ है तुम सभी। अहम का अर्थ होता है मैं आवाम का अर्थ होता है हम दोनों और वयम का अर्थ होता है हम सभी। ये हमारे हैं स्वरनाम जब इनको हमारे ध्यान में आता है तब हम किसी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं अनुवाद कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं जिस प्रकार आप इंग्लिश भाषा में टेंस पढ़ते हो हिंदी में काल पढ़ते हो उसी प्रकार संस्कृत में भी लकार होते हैं। Thank you.
संस्कृत में आप लकार कहते हो, इंग्लिश में आप टेंस कहते हो और हिंदी में काल कहते हो। अब आपको लकार की तरफ लेके जा रहा हूँ। संस्कृत में लकारों की संख्या है वो 10 है। संस्कृत में लकारों की संख्या है वो 10 है। जिस प्रकार अंग्रेजी में टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार संस्कृत में टेंस को एक लकार कहते हैं और उन लकारों की संख्या है वो है 10। पांच लकार लौकिक भाषा में काम में आते हैं। और जो पांच लकार होते हैं वो वैदिक भाषा में काम में आते हैं। लौकिक भाषा का अर्थ होता है अपने बोलचाल की, लोगों की भाषा जो अपन अपना रहे, संस्कृत भाषा को जो अपन अपना रहे, और उनमें पांच लकारों का उपयोग होता है। पर जो पांच लकार ऐसे हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, आपने भविष्य में कभी पढ़े ही नहीं, जैसे ही आप 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th 12th तक जाओगे, पर आप इनको पांच लकारों को कभी पढ़ नहीं पाओगे। जब तक आप वैदिक भाषा का ज्ञान नहीं होगा आपके पास, ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उन जो भाषा है वो वैदिक, जो ये पांच लकार हैं उन वैदिक भाषा के रूप में वहाँ ऋग्वेद में उनका प्रयोग हुआ है। अब आपको पढ़ना है पांच लकार। पांच लकार कौन कौन से हैं बता देता हूँ आपको। पहला है लट लकार, उसको आप वर्तमान काल कहते हो। जिसे अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा है लिट लकार, भविष्यत काल कहते हैं, इसको आप अंग्रेजी भाषा में फ्यूचर टेंस कहते हो। थर्ड आपका है लंग लकार, जिसे आप हिंदी भाषा में भूतकाल कहते हो और अंग्रेजी भाषा में आप पास्ट टेंस कहते हो। फोर्थ पे आता है आपका लोट लकार, ये आज्ञार्थक काम में आता है। जहां पे आप किसी को आज्ञा दोगे, उठो, बैठो, खाओ, नाचो, गाओ, ये आप आज्ञा दे रहे हो। जहां पे भी आप आज्ञा दोगे आज्ञार्थक काल में ये काम में आएगा, वो है लोट लकार। अब फिफ्थ पे है आपका, पांच नंबर पे आता है विधलिंग लकार, ये आपका चाहिए के अर्थ में आपको काम में लेना है इसको। आपके सामने लकारों की संख्या हो गई पांच। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, क्लोट लकार अज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार है वो सही है के अर्थ में। अब आपको पता ये भी चल गया कि जिस प्रकार काल होते हैं, टेंस होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भाषा में भी लकार होते हैं, और उन लकारों की कुल लकारों की संख्या संस्कृत भाषा में 10 है, और पांच लकार है वो लौकिक प्रयोग में काम में आते हैं और पांच लकार है वो वैदिक भाषा में काम में आते हैं। अब आपको सबसे पहले किसी भी भाषा को अगर जानना है, पहचानना है, तो उसके व्याकरण को भी जानना जरूरी होता है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के रूप में जो काम में लिया जाने वाला जो माध्यम होता है, अपने विचारों को जो आदान प्रदान करने में
काम में लिया जाने वाला जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा, जैसे मैंने किसी को कोई कहा और उसने मेरी विचारों को समझ लिया, और उसने कहा और मैंने समझ लिया, और उसके बीच में जो हम वार्तालाप कर रहे हैं उसके बीच में जो माध्यम है हमारा वो हमारी भाषा है। और भाषा को जब तक आप नहीं सीख सकते, कि जब तक आप उसके व्याकरण को नहीं सीख सकते, ग्रामर को जब तक आप नहीं सीख सकते, उस भाषा को आप पूरी तरह से कंठस्थ नहीं कर सकते। इसलिए भाषा को आपका ज्ञान होने से पहले उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा में जो व्याकरण होती है उसका प्राण तत्व होता है। व्याकरण है ये, भाषा का प्राण तत्व है। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व के रूप में जाना जाता है। जब तक आप उसके व्याकरण को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, अच्छी तरह से ज्ञान उसका नहीं पाओ कर पाओगे, तो आप उस भाषा को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के सामने आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से पहले उसके व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जो लकार पढ़ा रहा था उस लकारों के बारे में ज्ञान दे रहा था, टेंस के बारे में पढ़ा रहा था। सबसे पहला है अपना लट लकार। लट लकार जिसे आप वर्तमान काल कहते हो, कोई भी शब्द है, कोई भी धातु है, उस धातु को अगर आप लकारों में प्रयुक्त करोगे तो किस प्रकार करोगे, मैं आपके सामने एक धातु के रूप में बता देता हूं। पट धातु का रूप लिख करके, पट धातु, यहां पे आपको एक वचन लिखना है, यहां पे आपको द्विवचन लिखना है, यहां पे आपको बहुवचन लिखना है, प्रथम पुरुष लिखना है यहां पे, पठति, पठत, पठंती, मध्यम पुरुष, पठसी, पठथ, पठथ। अब आता है उत्तम पुरुष। पठामि, पठावः और पठामः। एक वचन में आता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब आपको पता होगा कि मैंने पट धातु आपके सामने लिखी है और उसके पीछे ती लगाया है, ये ती, तह यहाँ पे मैंने लिखा है और उसके बाद में अंति। इसका मैंने सी लिखा है, सी, थ और थ, मी, वह और मह, ये मैंने पट धातु के आगे इनको जोड़ करके आपके सामने धातु रूप बनाए। अब आपको पता होगा ये पट धातु है। पट का अर्थ होता है लिखना,
सॉरी पट का अर्थ होता है पढ़ना पढ़ना। अब पठती रूप धातु रूप एक वचन में रूप बनता है पठती। मैंने आपको बोला कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सबसे पहले आपको टेंस, जिस प्रकार इंग्लिश में आप टेंस निकालते हो कि ये सबसे पहले कौन से टेंस का है, कौन से काल का है या कौन से लकार का वाक्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि वह पढ़ रहा है। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, पढ़ रहा है, काम जा रही है, तो वर्तमान काल है। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। आप सबसे पहले लकार का ज्ञान करोगे, लट लकार। अब वह पढ़ रहा है, वह एक वचन है, वह एक वचन है, यहां पे अकेला व्यक्ति है, वह पढ़ रहा है, वह अकेला व्यक्ति है। अगर दो वचने होते तो वे दोनों होते, अगर बहुत सारे होते तो वे सभी होते। यहाँ पे वह पढ़ रहा है, वह एक सिंगुलर है या एक वचन है, तो वह के साथ में क्या लगता है? मैंने आपको स्वरनाम बताया था कि वह का स्वरनाम होता है सह, ये मैंने लिख दिया सह। अब पढ़ रहा है, पढ़ रहा को पठती, वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगा पठती, तो ये लगा दिया मैंने पठती। सह पठती, वह पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया। अब यहाँ पे अगर दो जने होते तो वे दोनों पढ़ रहे हैं। अब आपके सामने वे दोनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दो जने, यहाँ पे एक वचन था वह, यहाँ पे वे दोनों। मैंने अभी आपको स्वरनाम पढ़ाया था, मैं बताया था कि सह तौ ते, सह एक वचन के लिए तो दो वचन के लिए, अगर दो जने हैं तो द्विवचन हो गया। अब वे दोनों है सह तो, अब दो तो आएगा तो पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने वाक्य है। अब पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य, ये तो हो गया। अब वे दोनों है द्विवचन है, द्विवचन के लिए स्वरनाम प्रयोग होता है, वे दोनों के लिए होता है तो, ये मैंने तो लिख दिया। अब पढ़ रहे हैं, पढ़ना को पट कहते हैं और पट धातु का द्विवचन होता है पठत, तो मैंने लिख दिया पठत, वे दोनों पढ़ रहे हैं। अब अगर बहुवचन में होता तो वे सभी पढ़ रहे हैं, वे सभी पढ़ रहे हैं, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लट लकार का वाक्य है, लट लकार के वाक्य में वे सभी, और वे सभी को मैंने अभी आपको स्वरनाम में पढ़ाया था कि सह तो ते, ते का अर्थ होता है वे सभी, ये मैंने लिख दिया ते, ते का अर्थ होता है वे सभी, और पढ़ रहे हैं तो बहुवचन है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो पठंती, ये मैंने लिख दिया पठंती, वे सभी पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको प्रथम पुरुष पढ़ा दिया है, अब आते हैं मध्यम पुरुष की तरफ। मध्यम पुरुष में जैसे तुम पढ़ रहे हो, अब ये लट लकार का वाक्य है। लट लकार का वाक्य, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तुम पढ़ रहे हो, जारी है काम, तो काम जारी होने के अर्थ में ये वर्तमान काल हो गया, लट लकार हो गया। अब तुम है, तुम को स्वरनाम संस्कृत स्वरनाम में कहते हैं त्वम, ये मैंने लिख दिया त्वम। अब यहाँ पे तुम के लिए मैंने स्वरनाम, मैंने कहा मध्यम पुरुष अगर एक वचन यहाँ पे मैंने लिखा है तो आपको मध्यम पुरुष एक वचन ही उपयोग में लेना है, पर धातु रूप का भी मध्यम पुरुष एक वचन उपयोग में लोगे तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन रूप है वो है पटसी,
त्वम पठसि। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने म को हलंत में लिखा है और आगे अगर कोई व्यंजन वर्ण आ जाए, किसी हलंत्यम वर्ण के आगे कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो उस हलंत्यम का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसको आप सही लिखोगे तब आपको लिखा जाएगा त्वम पठसि, क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है। अगर आगे व्यंजन वर्ण अगर आगे कोई स्वर होता तो ये हलंत्यम म है वो हलंत्यम म ही रहता, उसका अनुस्वार नहीं हो जाता। क्यों अनुस्वार क्यों हुआ? क्योंकि उसके आगे व्यंजन वर्ण है, प फ ब भ म, ये व्यंजन वर्ण होते हैं। और उन व्यंजन वर्ण जब भी कोई किसी हलंत्यम वर्ण के आगे अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसका हलंत्यम म का अनुस्वार हो जाता है। इसलिए मैंने इसका हलंत्यम म का अनुस्वार कर दिया।